हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। ये आईजोम ड्रिल किट का सेट है जो आपके सामने मैं इसे ओपन करूँगा और ओपन करके आपको दिखाऊँगा ये किस क्वालिटी का आता है और चलने में कैसा है, इसके पूरी डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा। और चलो मैं ये ओपन कर तो दोस्तों मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये पूरा बॉक्स है जो फ्लिपकार्ट के द्वारा पहुँचाया गया है और ये पैकिंग जो है फ्लिपकार्ट ने की है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। आप अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हो, मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया था। तो ये ओपन कर दिया इस तरह से और ये आपके सामने है एक छोटा बॉक्स और इसके अंदर ये आईजोम इम्पैक्ट ड्रिल किट 500 वाट की है। जिस तरह से इसका पिक्चर दिखाया है और इसे मैंने काट दिया है इसकी सील को और इसे मैं आपके सामने ही ओपन करने जा रहा हूँ। अब इस तरह से घुमाकर आपकी तरफ कर देता हूँ। अब आप थोड़ा आगे हो जाइए देखने के लिए, दूर मत बैठिए मोबाइल से दोस्तों। और मैं ये ओपन कर दिया है, इसके लॉक भी खोल दिए हैं। अब इसे ये खोल दिया है, अब देख सकते हैं अंदर क्या एक्सेसरीज है इसके साथ, ड्रिल किट के साथ। ये ओपन में मिला है खुला हुआ, 6 इंच का ये माप है। ये सिर्फ 6 इंच का ही है, छोटा सा है दोस्तों। और ये आगे की जो एक्सेसरीज आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में 1 इंची टेप लिया है मैंने। ये 3 मीटर का है यानी कि 10 फुट का है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक लग रही है और इसे यूज नहीं किया हुआ है, ये नया इंची टेप है दोस्तों। आप इसे फीता भी बोल सकते हो, इंची टेप भी बोल सकते हो और अपनी भाषा में क्या बोलते हो। ये इसके ऊपर आईजोम का भी मार्का लगा हुआ है और ये देख रहे हैं आप, ये बिट है, वुडन बिट। इसे बर्मा का डिज़ाइन दिया है, ये बर्मा टाइप है। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी नरम लग रही है दोस्तों और इसे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों आप पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ये है पेचकस, गोटी पेचकस भी बोल सकते हो इसे। इसके अंदर गोटियाँ आएगी और गोटी द्वारा आप इसे, और ये काफ़ी नरम है, हल्का है। ये अंदर से पूरा होल है इसके अंदर, दस्ते के अंदर पूरा खाली था। और ये कटर है, ये कटर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दिया मुझे, काफ़ी क्वालिटी का बनाया है, बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन भी दिया है। इसके ब्लेड की भी काफ़ी चौड़ाई है, ये देखो दोस्तों काफ़ी हैवी ब्लेड है इसके अंदर, ये मुझे अच्छा लगा। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा आइटम, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। ये प्लेयर है, काफ़ी छोटा प्लेयर है और ये प्लेयर 2 दिए इसके अंदर। दूसरा जो आगे से सुई द्वारा बनाया होता है,
इसकी क्वालिटी भी नरम है, प्लेयर की काफ़ी हैवी क्वालिटी नहीं लगी मुझे। तो दोस्तों ये परमानेंटली काम करने के काम का नहीं है। अगर आप घर पे होम पर मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो कभी कभार, ये कारपेंटर भाइयों के लिए परमानेंटली काम का प्लेयर नहीं है दोस्तों। और अब ये जो है थर्माकोल है या फाइबर का जो पीस है, ये इसकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए दिया है, कोई डैमेज ना हो। ये मैनुअल है आइजोम का, जो अपनी कंपनी द्वारा दिया जाता है, आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें सारे फंक्शन दिए हैं और किट के और ड्रिल के, और इसके अंदर कार्बन भी थे। और अब ये आपको दिखा रहा हूँ बिट है, ये दीवार में होल करने वाला बिट है, ये 8 mm का बिट है दोस्तों, काफ़ी हेवी है। और लोहे के भी बिट है इसमें दिए गए हैं। और ये गोटी पेचकस के जो बिट है, पेच के हिसाब से, अलग अलग पेच के हिसाब से है, प्लस पेच के भी है, स्टार पेच के भी है, और छोटे पेच के लिए भी है, बड़े पेच के भी लिए है। ये पिन दिए गए हैं, ये उस गोटी के अंदर फिट करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो, और इसे आप ड्रिल में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो और भी इसके साथ एक बिट और दिया है, जो ये बिट आप ड्रिल में लगा करके वो गोटी पेच यूज कर सकते हो ड्रिल के अंदर। ये मुझे सही ऑप्शन लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों इसके बाद ये पेंसिल है, ये पेंसिल के अंदर टाइपिंग जो है चाइनीज़ भाषा है, और इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ये पेंसिल चाइना की है दोस्तों। और ये है एडजस्टेबल प्लेयर, और इसे आप चाबी भी बोल सकते हैं, पाना भी बोल सकते हो। ये एडजस्टेबल चाबी होती है दोस्तों, आप अपनी भाषा में जो भी कहे। इसके अंदर ये आइजोम कंपनी का मार्का नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ, आप खुद ही पढ़ सकते हो ये क्या है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ठीक लगा मुझे, और अब ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रिल मशीन, इसे ओपन कर रहा हूँ। अभी इसका मॉडल भी दिया है दोस्तों, देखो ध्यान से, काफ़ी खूबसूरत मॉडल दिया है, डिजाइन बहुत अच्छा किया है, देखने में बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही है। इसे बॉश कंपनी की ही क्वालिटी दी है, जैसे बॉश की जो मशीन आती है उसी ही डिज़ाइन में बनाया गया है दोस्तों। इसे चलाने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, चलने में कैसी है। इसके स्विच की बात करते हैं दोस्तों, फिटिंग की बात करते हैं, मुझे काफ़ी हल्की लग रही है, इतनी दमदार नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी की मशीन की जो ये स्विच आती है इतनी फंटास्टिक होती है फिटिंग, कि उसे दबाने में ही कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इसके अंदर ये लूज है, ये इसके स्विच जो है फिटिंग नहीं है, प्रॉपर फिटिंग नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा स्विच के बारे में, इनके बटन के बारे में,
भी काफ़ी अच्छी है। और ये 13 mm की ड्रिल है जो आगे इसके आगे यहाँ 13 mm का बिट आप डाल सकते हो। तो दोस्तों इसे मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा और इसकी आवाज़ भी आपको चेक करवाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे YouTube पर। और ये है गिट्टी और पैच, इसके अंदर ही पैच है और गिट्टी है। ये तीन क्वालिटी की है, यानी कि तीन साइज में है। इसके पैच मुझे काफ़ी क्वालिटी के दिखाई दिए और गिट्टी जो है काफ़ी नरम है, हल्की क्वालिटी की है। गिट्टी तो वैसे ये फॉर्मेलिटी ही पूरी की गई है दोस्तों। और ये दूसरा सेट है बिट का, जिसे आप बोल रहे थे पेचकस के, दूसरा सेट है ये। इसके अंदर माइनस पेच बिट है और हल्की बिट है, जो अलग होते हैं बिट, हर तरह के बिट दिए गए हैं, छोटे बड़े, काफ़ी प्रॉपर काम आने वाले हैं दोस्तों। और बात करें क्वालिटी की, तो मुझे काफ़ी नरम दिखाई दे रही है, इतने हैवी नहीं होते हैं दोस्तों। ये होम के अंदर, घर के अंदर थोड़ा बहुत काम आने के काम के ही होते हैं दोस्तों, ये परमानेंटली काम नहीं आ सकते। और ये है हैमर दोस्तों, हैमर अगर आप इसे थोड़ी बोलते हो या हैमर बोलते हो, जो भी बोलते हो, ये वो है। ये इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी मुझे ये पसंद आई, बहुत ही शानदार डिज़ाइन में बनाई गई है दोस्तों। और इसके प्लास्टिक का भी ये दस्ता दिया है और ये यहाँ स्टील पॉलिश है या स्टील की है, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। और हथौड़ी और ये कील उखाड़ने के काम भी आती है, ये दोनों काम आएगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो दोस्तों इसके आगे का मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये लेवल है दोस्तों, ये लेवल बिल्कुल छोटा दिया है साइज में। और इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक बॉडी में है, बहुत ही हल्की क्वालिटी का। मैं इसे 10 में से 5 नंबर देता हूँ दोस्तों, ये काफ़ी हल्की क्वालिटी का है, इतना मजबूत नहीं है। सिर्फ ये लेवल नाम ही इसका लेवल है दोस्तों, हल्का प्लास्टिक है, बिल्कुल हल्का प्लास्टिक, बिल्कुल छोटा सा लेवल है ये दोस्तों। मैंने तो काफ़ी बड़ा समझ रखा था, भी बड़ा लेवल ही आएगा। वैसे ये काम चला सकता है फिलहाल। और ये ड्रिल का दस्ता है जिसे आप हैंडल भी कह सकते हो, दस्ता भी कह सकते हो। ये भी ड्रिल के हिसाब से, आइजोम कंपनी के हिसाब से काफ़ी हल्का दिखाई दिया मुझे। इसकी भी ऐसे लगता है खानापूर्ति ही पूरी की गई है, मुझे लगता है इनके पास प्लास्टिक शायद कम पड़ गया होगा या ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों मैं इसे ना फिट ही करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी अगर ड्रिल के अंदर गिर गई तो ये ज़रूर टूट जाएगा, अवश्य टूटेगा दोस्तों। और मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ये जो है छोटा सा बॉक्स दिया है इसके अंदर कील वगैरह पैच वगैरह डालने के लिए, फ़िलहाल ये खाली है दोस्तों, इसमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं डाला।
कोई बात नहीं दोस्तों, तो अब आपको मैं ये ड्रिल चला करके दिखाता हूँ। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से पैक की गई है ये वायर। तो दोस्तों इसकी वायर भी की क्वालिटी जो है मुझे ठीक लगती है, बिल्कुल नरम है। और अब मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करवा देता हूँ और इसके स्विच भी चेक कर लेते हैं चलने में कैसी है, या कोई इसका स्विच काम करता है या नहीं करता और कैसे करता है। ये देखो दोस्तों, आवाज़ भी इसकी ठीक है। अब मैंने इसे हैमर में किया है और इसे ड्रिल में किया है। ड्रिल और हैमर में एक सेम ही इसकी स्पीड और सेम ही इसकी आवाज़ आ रही है दोस्तों। इसका मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। इसका भी मुझे लगता है कि इसको फॉर्मेलिटी ही पूरी की गई है। और इसके अंदर आइजोम द्वारा दिखाया गया, इसके अंदर डबल बेयरिंग है। इसके डबल बेयरिंग होने के बावजूद भी मुझे इसकी आवाज़ खूबसूरत नहीं लगी। डबल बेयरिंग होने के बाद इसकी आवाज़ खूबसूरत नहीं लगी, बल्कि इसके जी ये एडजस्टबल है स्पीड कंट्रोल का, ये भी काफ़ी। ये देखो स्विच किस तरह से हिल रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये जप मारा है, इतना लूज़ है कि इसे दबाते हैं तो कहीं से ये आसानी से दबता नहीं है, इसे दबा नहीं पा रहे हम स्विच को। और ये काम भी बहुत कम कर रहा है कंट्रोलर, ये इसका कंट्रोल बटन जो है ये काफ़ी काम कम कर रहा है दोस्तों। दिल खुश नहीं हुआ दोस्तों मेरा। जैसे आइजोम इतना खूबसूरत नाम दिया है, इसका डिज़ाइन खूबसूरत दिया है, लेकिन इसके स्विच जो है मैं ना फिट करता हूँ दोस्तों। मुझे तो ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है ड्रिल को, मशीन को, ये परमानेंटली काम आने के लिए कामयाब चीज़ नहीं लगी। जिस तरह से कंपनी अपने आई कार्ड में और फ्लिपकार्ट पे जो फ़ोटो वगैरह दिखा रही है और जो इसकी क्वालिटी बता रही है, उसके हिसाब से मैं कम मानता हूँ दोस्तों। इससे मैं 10 से 6 नंबर ही देता हूँ दोस्तों मैं, मेरे हिसाब से। बाकी होम प्रॉपर्टी के लिए काम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कारपेंटर भाइयों के लिए मैं इसे ना फिट ही करता हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगती है तो शायद आप इसे खरीद सकते हो। मैंने इसे ये पूरा किट जो सेट है 2200 रुपये में परचेज़ किया है। वैसे फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पे कम ज़्यादा होते रहते हैं दोस्तों। और इसकी ये की जो मैं देख रहा हूँ ये भी काम नहीं कर रही है। काफ़ी जोर लगाने के बाद, काफ़ी टाइम लगाने के बाद भी मैंने इसे चेक कर लिया है तो भी ये काम नहीं कर रही है। मुझे ये लगता है ख़राब है आगे का, इसका पूरा का पूरा सेट ये ख़राब है, चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं इस ड्रिल मशीन को, इस किट को, मैं इसमें से एक दो चीज़ ही मैं ठीक मानता हूँ, बल्कि और ये कारपेंटर भाइयों के लिए कामयाब चीज़ नहीं है। मैं उन्हें नहीं बोलूँगा कि इसे कारपेंटर भाई से ज़रूर ख़रीदें। और मैंने इसे पैक कर दिया है फिर से। तो दोस्तों मैं आगे अगली मशीन फिर मैं आपके लिए ओपन करूँगा, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगा बना करके। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों अगली वीडियो के लिए, लेकर फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय, थैंक्स दोस्तों।